अयोध्या पहुंची, नेपाल से लाई गई शालिग्राम की शिलाएं, आज राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपी जाएंगी शिलाएं, सुबह 10:30 बजे होगा पूजन। शालिग्राम की शिलाओं का अयोध्या धाम में हुआ भव्य स्वागत, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया, शिला से बनेगी भगवान राम और माता सीता की मूर्ति। बागेश्वर धाम सरकार के महंत और कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आज प्रयागराज दौरा, संगम में लगाएंगे डुबकी, माघ मेले में संत महात्माओं का लेंगे आशीर्वाद। शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव, आज खुलेगा 63 उम्मीदवारों की किस्मत का पिटारा, कुछ ही देर में शुरू होगी मतगणना। योगी देंगे बजट के अहम बिंदुओं की जानकारी, बताएंगे सरकार ने कैसे दी राहत, लखनऊ में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनजन को बजट के फायदे बताने के लिए बीजेपी के अभियान का आज से आगाज, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष अपने राज्यों में बताएंगे बजट की खूबियां, 12 फरवरी तक चलेगा यह अभियान। संसद में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर शुरू होगी चर्चा, चर्चा के लिए 4 दिनों का समय निर्धारित, 7 फरवरी को पीएम मोदी प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। बजट सत्र की रणनीति को लेकर आज सुबह 9:15 बजे कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक, सुबह 10 बजे राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे की अगुवाई में विपक्षी दलों की बैठक, किसी उम्मीदवार को एक से ज्यादा सीट से चुनाव लड़ने से रोकने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, याचिका में कहा गया है कि किसी का दो जगह से चुनाव लड़ना और फिर एक सीट को छोड़ देना मतदाताओं से अन्याय है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने संभाला वायुसेना के नए उप प्रमुख का कार्यभार, 5,000 घंटे की इससे अधिक उड़ान का अनुभव रखते हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। मथुरा पुलिस ने मुठभेड़ में 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, 2 आरोपी फरार, थाना जमुना पार्क पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई। हत्या के मामले में 3 बदमाशों की थी तलाश, उन पर 15,000 का इनाम था, पुलिस ने अपराधियों के कब्जे से अवैध हथियार और एक बाइक बरामद। ग्रामोद्योग मंत्री राकेश ने बजट की जमकर सराहना की, बताया सभी लोगों को राहत पहुंचाने वाला बजट है, किसानों को भी फायदा होगा। भाजपा नेता अपर्णा यादव ने की आम बजट की सराहना का, बजट में महिलाओं का रखा गया है विशेष ध्यान, उत्तरकाशी में है इस वक्त अपर्णा यादव। सपा के राष्ट्रीय महासचिव विशंबर निषाद का बयान, जनता के हित में नहीं पेश किया गया बजट, बजट उद्योगपतियों को पहुंचा रहा फायदा, किसान नौजवान समेत बेरोजगारों को ठगा गया। आगरा में 6 मकानों के गिरने का मामला, रात के अंधेरे में तोड़े जा रहे मकान, स्थानीय लोगों ने कहा कि दिन में मकान तोड़ने का आश्वासन दिया गया था। मुजफ्फरनगर में विवाह समारोह में चली गोली, गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत, शादी में नाचने को लेकर विवाद हुआ था। बांदा में आज तेज रफ्तार बुलेरो ने मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को कुचला, चाचा भतीजे की मौके पर ही मौत की खबर, पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नैनीताल के तल्लीताल चौराहे में अनियंत्रित केटीएम बाइक पोलो कार से जा भिड़ी, पुलिस ने बाइक सीज कर चालक को भिजवाया घर, युवक सड़क पर दिखा रहा था स्टंट। अमरोहा में लव जिहाद का मामला आया सामने, जाकिर ने संदीप बताकर असम की रहने वाली एक युवती से मंदिर में शादी की, 3 साल तक युवती को देता रहा धोखा, अमरोहा पहुंचने पर युवती को हुई जानकारी। जोशीमठ में हाई कोर्ट के फैसले पर जश्न, जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी बहाल, जोशीमठ के मुख्य चौराहे पर जश्न मनाकर आतिशबाजी की। यूपी के मुजफ्फरनगर के पॉक्सो कोर्ट का फैसला, 3 साल की मासूम बच्ची का गैंगरेप के बाद हत्या करने के मामले में एक को फांसी, दूसरे को उम्र कैद की सजा। डर और सन्नाटे के बीच कानून व्यवस्था को लेकर एटा पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, नगला शिकरा में 30 जनवरी की रात को हुई थी पति पत्नी की हत्या, सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है जेल। मुरादाबाद के पोस्ट ऑफिस में तैनात कर्मचारी फर्जी मार्कशीट से करता रहा नौकरी, जांच के बाद आरोपी के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया गया। आगरा में होटल में घुसकर दबंगों ने मारपीट की, स्टाफ को बाहर निकालकर होटल में ताला लगाने की कोशिश की, पुलिस के पहुंचने पर आरोपी वहां से भागे, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। बिजनौर की बिलाई शुगर मिल परिसर में धरने पर बैठे किसानों ने पिटाई का लगाया आरोप, पुलिस चौकी भागकर किसानों ने अपनी जान बचाई, बिलाई मिल कर्मचारियों ने टेंट उखाड़कर किसानों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा।
रुड़की में किसानों का विद्युत विभाग के डीजीएम दफ्तर पर धरना प्रदर्शन। किसानों ने लगाया आरोप, कहा विजिलेंस और बिजली विभाग की टीम की छापेमारी से किसान हो चुके हैं परेशान। बलिया में गोली मारते हुए सुसाइड का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। सूदखोर से परेशान होकर उठाया कदम, जांच में जुटी पुलिस। मालगोदाम रोड स्थित बलिया आर्म्स कॉर्पोरेशन की दुकान की घटना। मुरादाबाद के मझोला में वेल्डिंग के दौरान ट्रक में आग लगने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया। अमेठी में अवैध अतिक्रमण गिराने के दौरान अधिकारियों की लापरवाही। मकान का छज्जा गिरने के दौरान भरभराकर गिरा मकान का अगला हिस्सा। बाल बाल बचे लोग, प्रशासन की कार्रवाई से व्यापारियों में गुस्सा। बदौर में सरसों के खेत में खून से लथपथ हालत में मिला अर्धनग्न शव। गांव वालों की सूचना पर पहुंची पुलिस, शव की शिनाख्त में जुटी सखेड़ा गांव का मामला। शामली में कलयुगी मां ने तीन बच्चों को जहर देकर मारा। मेरठ में उपचार के दौरान तीनों बच्चों की जान गई। पुलिस ने आरोपी मां को हिरासत में लिया। मौके से बर्तन में घुसा घुला विषैला पदार्थ बरामद किया गया। जालौन में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। दोनों तरफ से चली कई राउंड गोलियां, पुलिसकर्मी विपिन चाहत भी हुए जख्मी। शाजापुर में लखनऊ एसटीएफ के साथ एसओजी टीम और कोतवाली सदर बाजार पुलिस ने रोडवेज से दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 22 किलो 300 ग्राम चरस बरामद किया गया। 44,60,00,000 बताई जा रही कीमत। नोएडा में ऑनलाइन प्रॉपर्टी सेल पर जिसके नाम पर धोखाधड़ी का खुलासा। 8 ठगी करने वाले गिरोह के 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। फर्जी तरीके से रेंट पर मकान देने के नाम पर ठगी करते थे। बुलंदशहर में डीएम के आदेश पर शराब माफिया योगेश यादव की 1,11,00,000 से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। शराब माफिया का एक ईंट का भट्टा, 4 खेत, 2 प्लॉट को जब्त किया गया। बुलंदशहर में 37 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को किया गया ध्वस्त। बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण की कार्रवाई। एटा पुलिस ने पति की हत्या के आरोप में पत्नी और उसके प्रेमी के साथ एक अन्य को गिरफ्तार किया। अवैध संबंधों में रोड़ा बन रहे पति को पत्नी ने प्रेमी की मदद से रास्ते से हटाया। चेन्नई में तैनात बीएसएफ जवान की ब्रेन स्ट्रोक से मौत। फिरोजाबाद लाया गया मृतक जवान का पार्थिव शरीर, सलामी देकर अंतिम विदाई दी गई। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने केंद्र के बजट को बताया निराशाजनक। कहा इस बार के बजट में सिर्फ लोक लुभावन वादे और इसके अलावा कुछ नहीं। कहा रोजगार तो नहीं मिला, बेरोजगारी की दर बढ़ गई। हनुमानगढ़ी में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ साधु संतों ने जुलूस निकालकर फूंका पुतला। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ नारे लगाते हुए देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की। कहा सपा से हो स्वामी की बर्खास्तगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा केंद्र सरकार ने अद्भुत बजट पेश किया। प्रधानमंत्री जी ने सभी वर्गों का ख्याल रखा, महिला बुजुर्गों नौजवानों का विशेष ध्यान रखा गया। नैनीताल में युवाओं ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन कर जताया विरोध। प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद और जय श्री राम सेवा दल के कार्यकर्ता पदाधिकारी रहे मौजूद। गाजीपुर पहुंचे आयुष राज्य मंत्री ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की आलोचना करते हुए कहा भगवान राम के रामलीला का मंचन इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देश में भी होता है। पूरे देश ने स्वामी की बात को अनसुना किया है। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से झटका। विवादित बयान वाले मामले में ट्रायल रद्द करने की मांग खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 जनवरी को सुरक्षित रखा था फैसला। कानपुर देहात में पेंट की एजेंसी में लगी भीषण आग। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। रामचरितमानस पर विवाद के बीच कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बयान आया सामने। कहा रामचरितमानस पर कोई गलत बोले इसका मतलब मछुआरों के खिलाफ बोला जा रहा है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर की अभद्र टिप्पणी। मनोज तिवारी ने स्वामी प्रसाद मौर्य की तुलना राक्षसों से की। कहा राक्षसों का काम साधु संतों और धर्म ग्रंथों का मजाक उड़ाना होता है। आगरा में विकास प्राधिकरण हुआ बकायेदारों पर गंभीर। लगातार संपत्ति बकायेदारों को भेजे जा रहे हैं नोटिस। अब तक प्राधिकरण ने 3,000 से ज्यादा बकायेदारों को नोटिस थमा दिया। रुड़की में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने एक कॉलेज में मार्शल आर्ट राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। 20 राज्यों के मार्शल आर्ट खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। रुद्रप्रयाग में 10 साल बाद बसुकेदार तहसील भवन निर्माण का रास्ता साफ हो गया। जिलाधिकारी ने निर्माण के लिए चयनित भूमि का किया निरीक्षण। उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड में वीआईपी का नाम बना है मिस्ट्रीज। 18 सितंबर वनंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाली युवती की हत्या हुई।
जोशीमठ में प्री फैब्रिकेटेड शेल्टर निर्माण काम में तेजी। उद्यान विभाग की भूमि पर बन रहे प्री फैब्रिकेटेड शेल्टर्स डीएम ने स्थलीय निरीक्षण किया। जोशीमठ में एक महीने बाद स्कूल खुले। स्कूल आने के लिए बच्चों को करना पड़ रहा मुसीबतों का सामना। मकानों में दरार आने से उनके घर किए गए हैं शिफ्ट। बाराबंकी में जहरीली गैस फैलने से आधा दर्जन से अधिक स्कूली छात्र छात्राएं बेहोश। सांस लेने में आई दिक्कत। गैस की चपेट में आने से टीचर्स भी घटना की शिकार हो गए। फतेहपुर में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में किसान नेता की मौत। दोनों गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। कानपुर में नगर निगम की टीम को विरोध का करना पड़ा सामना। गुलियाना सब्जी मंडी में विरोध करते हुए नगर निगम की टीम को बनाया गया बंधक। नगर निगम की टीम पर महिलाओं से अभद्रता और मारपीट का आरोप भी लगा। फरीदाबाद के शातिर चोरों ने गुजरात में जाकर की 40 लाख की चोरी। पुलिस ने किया खुलासा। शातिर महिला समेत तीन चोरों ने गुजरात के व्यापारी को बनाया निशाना। बलिया में पुलिस मुठभेड़ में स्कॉर्पियो चोर के पैर में लगी गोली। घायल चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उसके तीन साथी मौके से भागे। स्कॉर्पियो और हथियार बरामद। मेरठ में दिनदहाड़े घर में घुसकर बदमाशों ने दिया लूट की वारदात को अंजाम। बदमाशों ने ठेकेदार के मकान को बनाया निशाना। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। अमेठी में अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। बिना घरों को खाली करवाए व्यापारियों के दुकानों और आवासों पर चल रहा है बुलडोजर। घरों के अंदर कई लोगों के फंसे होने का अनुमान। आजमगढ़ में भाजपा की जिला कार्य समिति की बैठक। भाजपा एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने की शिरकत। का 2024 में 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे। कौशाम्बी में पुलिस टीम पर भाजपा नेता के दो बेटों ने किया हमला। फल विक्रेता से पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। पहुंची थी पुलिस। आरोपी दोनों बेटे गिरफ्तार किए गए। अमरोहा में कारतूस तस्करी के आरोपी और उसके पिता की संपत्ति कुर्क। हसनपुर पुलिस ने आरोपी और उसके पिता की दुकान मकान बाइक समेत 45 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया। मथुरा में जिला पंचायत मार्केट में दुकान की छत पर चढ़ गया सांड। काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने सांड को नीचे उतारा। आवारा पशुओं के आतंक से लोग परेशान। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।